अच्छा जी, बुकला बरादरी भी इस वक्त जो खवातीन है वो भी साथ साथ हिस्सा ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से? लाहौर से। डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से जी, साउथ पंजाब IELF की मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये सारी की सारी जो खवातीन लॉयर्स हैं ये सारा डेरा गाजी खान? नहीं, ये लाहौर से हैं सारी। लाहौर से। मैं डेरा गाजी खान से हूँ। डेरा गाजी खान से 6 घंटे 10 मिनट का सफर है। अभी पहुँची थोड़ी देर पहले। सुबह निकले थे मिड नाइट, पहुँच गए टाइम पे। पहुँच गए, शुक्र है। जलसे का क्या टाइम दिया इन्होंने, कब तक कर सकते हैं? 5-5:30 बजे तक मैक्सिमम। तो तब तक तो आपके KPK से भी नहीं लोग आएंगे, फैसलाबाद से भी पहुँचेंगे? यही तो जुल्म हो रहा है ना। देखिए, इसी जुल्म की वजह से तो हम लोग निकलते हैं भाई, के खान साहब सच्चे इंसान है, सच्चे लीडर हैं, और हमें आवाम को जो है ना इस वक्त निकलना होगा लाजमी खान साहब की रिहाई के लिए और अपनी जमहूरी हकीकी आज़ादी के लिए। अरे जलसा फिर तो नाकाम नहीं हो जाएगा अगर आप ये देखें कि अगर 5-6 बजे तो हमारा पूरा लाहौर रोड्स पे भी जलसा होगा, जहाँ जहाँ पे हमारे सारे लोग खड़े होंगे वहाँ भी जलसा हो जाएगा। इसकी तो भारी नफरी आ गई है, ये तो भगाना शुरू कर देगी। कोई बात नहीं है, हम इनसे डरने वाले हैं क्या? हम विद इन लॉ लीगली हम लोग कह रहे हैं जलसा, हम लोग गैर कानूनी तो नहीं कर रहे। तो मिल गई आपको इजाजत? भी मिल गई है और जगह भी मिल गई है। इजाजत जगह मिली है वो भी आप देख रहे हैं। इजाजत के बावजूद भी हर तरफ पुलिस है, पुलिस हर तरफ, सिक्योरिटी हर तरफ। आप देखें कि बैरियर लगाए जा रहे हैं, कंटेनर लगाए जा रहे हैं। मैं दूसरे रास्ते से गई तो वहाँ पे कंटेनर लगे हुए थे, फिर हम वापस आए तो हमें मतलब मुझे विद इन लाहौर मुझे 2 घंटे लगे हैं यहाँ पहुँचने में। डेरा गाजी खान से उतना टाइम नहीं लगा लाहौर जितना लाहौर से मिला है। लाहौर से जलसा का पहुँचने में लगा है 2-2.5 घंटे लगे। हाँ जी, कोई पैगाम देना चाहते हैं मौजूदा? मैं मौजूदा हुकूमत को सिर्फ यही पैगाम देना चाहती हूँ कि देखे ये मुल्क हमारा है ना, उनका है ना हमारा, हम सबका है। तो इस मुल्क की बका के लिए आप लोग जमहूरी हकीकी आज़ादी के लिए जंग करें, पाकिस्तान को बचाएं, ना कि पाकिस्तान को लूटें और एक साइड पे करें आम लोगों को। वकीलों का जो आपका पेशा था, प्रोफेशन था, पुलिस वाले हाथ लगाने से पहले, गिरफ्तार करने से पहले 100 बार सोचते थे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं, अब तो लाठियां बरसाते हैं। और बहुत गलत कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। वकीलों को भी बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी मतलब उसके गिल्ट के वो लोग ऐसे ही अरेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग हैं कि कानून का एहतराम किए जा रहे हैं। कस्टडी में किस बेस पे रखा जाता है वकीलों को भी अगर रखा जाता है? नाजायज FIR के जरिए, कभी 3 MPO के जरिए, कभी 16 MPO के जरिए, जो सारे झूठे होते हैं, बेसलेस होते हैं। डेरा गाजी खान से अकेले आए आप? हाँ जी, मैं अकेले आई हूँ डेरा गाजी खान से। बच्चों ने जलसे में आती हूँ? बच्चों ने इजाज़त जाने दिया? बच्चे मेरे साथ हैं। बच्चे भी साथ? बच्चे बल्कि मुझे खुद मोटिवेट करते हैं कि नहीं डरना, अपने अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना, और हक के लिए आप लोग जाएं लड़ें। हावन वो भी मेरे साथ हैं, वो भी साथ ही आगे, सारी फैमिली साथ लाई है। चले जी, ये आपके सामने है कि वो खवातीन थी जो डेरा गाजी खान से आ गई है, और अब ऐसी कई खवातीन, ऐसे कई मर्द, ऐसे कई बच्चे हैं जो मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, और ये बानिया पीठिए की मोहब्बत में आए हैं।